मैं गुजारिश करूंगा जुबैर साहब से, जो मेरा कल आजकल के संपादक हैं, यहाँ पे हैं क्या जुबैर साहब? जुबैर साहब बहुत ही दानिश्वर किस्म की शख्सियत है, आपसे मुखातब होंगे भाई जुबैर साहब, जो बहुत अच्छे जर्नलिस्ट भी हैं। बहुत ही काबिल एहतराम, बहुत ही काबिल इज्जत यहाँ पर तशरीफ फरमा उधर मैदान साहिबा, और मेरा लाने के फिक्रमंद और मौजवान साहब, आज का टॉपिक लेकिन बहुत संजीदा टॉपिक है, बहुत गंभीर टॉपिक है, और खास तौर पर जब जबकि उधर मैदान साहिबा आपके सामने बैठे हो, ऐसे में जिम्मेदारी बन जाती है कि अपनी जबान से कोई भी लफ्ज इस तरह का ना बोला जाए कि उनके वकार को, उनके जलाल को ठेस पहुंचे। दरअसल मुद्दा जो की बहुत ज्यादा संजीदा है, जैसे कि मैं अर्ज कर चुका हूँ, और उलेमाओं की बात इस पूरे प्रोग्राम को हम लोग आयोजित कर रहे हैं और करवा रहे हैं। बात दरअसल उसकी यह है कि वो उलेमाए इकराम जिन्होंने मुल्क को आजादी दिलवाई, और वो उलेमाए इकराम जिनकी मौजूदगी न केवल मुसलमानों में बल्कि गैर मुसाइफ के मानने वालों में भी बहुत ज्यादा थी जमाने में, और जिनकी मौजूदगी का एहसास इस बात पर गवाह था, इस बात का सबूत था कि अगर ये है तो इस तरीके आज ऐसी क्या बात हुई कि जिन्होंने अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल दिया, जिन्होंने महात्मा गांधी के साथ में नेक्स्ट टू नेक्स्ट में एक नुमाया अधिकार निभा देश को आजादी दिलाई, और जिन्होंने न केवल सियासत में बल्कि सहाफत के मैदान में भी रहते थे छिपे लड़ाए, जिनका बहुत बड़ा डिस्कोर्स आज खड़ा किया जा सकता है, जिनके बारे में रिसर्च किया जा सकता है, और जिनके बारे में बात की जा सकती है। दो मिनट अभी, दो मिनट बोलो। समझने का इस बात का ग्रोथ एक्शन का और इस बात के आप एक व्यक्ति की बात बोल रहे हैं, एक जब आप सोचता हूँ और अपनी बात इसे के साथ बहुत शानदार। और जो उलेमाए इकराम
जिनके बारे में आज बात की जा रही है तो सियासत में आना चाहिए। अरे तो सियासत क्या इंसानी और समाजी हर पहलू में हम करते जा रहा था, और जिस तरह से आज डिप्रेशन की बात की जा रही है, हम जान रहे हैं इस्लाम में जैसे बड़े इदारे को कैसे भूल सकते हैं, अलीगढ़ विश्वविद्यालय को कैसे भूल सकते हैं, हैदराबाद यूनिवर्सिटी को कैसे भूल सकते हैं, उस्मान यूनिवर्सिटी को कैसे भूल सकते हैं, इसी में मतलब इस
वेरी गुड, बहुत अच्छा। नौकरी नौकरी
हमने सन 2014 में आपको बंद करो और एक हाथ तक करो हमने सारे बाबा बनाए जेडी के तीन के जामिया के एनयू के नंदिया नौकरी तो करने को बहुत बड़ी बात है नौकरी हम कहीं देंगे कि अपने जा रहे हैं कि कैसे अपने को प्रोवाइड करवाने की जरूरत है जहाँ तो हमारे लोग सही तरह से जिम्मेदारी के साथ अपनी बात करवाए नहीं गई नंदी ये लोग क्या करते हैं सिर्फ एक दिन 30 रुपए की मैगजीन सन 2015 की बात हो आपको बता दें ये दूसरा इशू है क्या बात है माशाल्लाह जुबैर भाई बड़ी आप बसीरत अफरोज आपने तहरीर की बहुत बहुत शुक्रिया जजाकल्ला पूरी कौम और मेवात के लिए आपने पैगाम दिया।